तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देश के नंबर वन न्यूज चैनल की नंबर वन वॉर कवरेज लगातार जारी है एक बहुत बड़े पैनल के साथ। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आर्मी डिपो में जबरदस्त विस्फोट हुए हैं। सियालकोट के आर्मी डिपो में एक के बाद एक धमाके हुए हैं जिसने दहला के रख दिया है उस इलाके को, और धमाके में आर्मी डिपो में भारी नुकसान की खबर है। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट के बीच एक बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान में ये क्या उथल पुथल मची हुई है, तस्वीरें देखिए। ये सियालकोट के आर्मी डिपो की तस्वीरें है जहां बहुत बड़े धमाके हुए हैं। ये दिल दहलाने वाले धमाके जिनकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई, एक्सक्लूसिव फुटेज जो टीवी 9 भारतवर्ष के पास है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में आखिर ये हो क्या रहा है? एक तरफ राजनीतिक संकट, दूसरी तरफ आर्मी डिपो पर ये बम धमाके। कौन है जो पाकिस्तान को इस तरह से इस तहस नहस करने में लगा हुआ है और किस तरह से वहां पर धमाके हो रहे हैं, तस्वीरें देखिए। और इस वक्त हमारे साथ राणा अली जुहैब है, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राणा अली साहब, आपके देश में ये जो कुछ घट रहा है, एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस और दूसरी तरफ आर्मी डिपो में धमाके, क्या हो रहा है, क्या आपको वहां से सेंस मिल रहा है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि अभी तक हमें मीडिया को और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियली किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है कि ये जो वीडियो आप चला रहे हैं ये पाकिस्तान के सियालकोट में जो धमाके जिनको आप कह रहे हैं ये उसी की है या कहीं और की है। हमने अपने तौर पर पता करने की कोशिश की है, हमने अपने जो हमारे खबर नहीं चली है उनसे भी पता करने, नहीं मैं यही गुजारिश आपसे कर रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ तो अभी मीडिया में भी ये खबर नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया के न्यूज चैनल्स में ही चल रहा है, और अगर हम ट्विटर की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो सिर्फ इंडिया की तरफ से ही इस वीडियो को भी शेयर किया जा रहा है। लेकिन सर, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, पाकिस्तान की तरफ से तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, कहीं भी ये चीज मौजूद नहीं है। हमने अपने पे पता करने की ये कोशिश की है, हमने पाकिस्तान आर्मी के जो हमारे, चलिए ठीक है राणा साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो तस्वीर है वो पाकिस्तान के सियालकोट की है, पंजाब प्रांत में सियालकोट शहर, और पाकिस्तान के जो घनी आबादी वाले इलाके उसमें 13वें नंबर पर ये शहर आता है। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है सियालकोट छावनी, पाकिस्तान का मिलिट्री बेस भी है। ये कुछ जरूरी जानकारियां हैं इस जगह से जुड़ी हुई जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। सियालकोट शहर है, ये पंजाब प्रांत में आता है, और आपको बता दें कि कश्मीर से नजदीक है, दूरी करीब 115 किलोमीटर की है, सिर्फ 115 किलोमीटर की दूरी पर है अंजलि। और मालूम है आपको, यहाँ पर केवल मिलिट्री डिपो नहीं है, यहाँ पर मिसाइल डिपो भी है, और ये बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि मिसाइल डिपो के पास इस तरह का धमाका होना यानी पाकिस्तान में ऑल इज नॉट वेल। हमारे साथ तमाम जनरल से, उनसे जल्दी से एक रिएक्शन में ले लेते हैं। जनरल शिवाज जी, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनल प्रॉब्लम चली हुई है पाकिस्तान में, और इसके साथ जो तहरीक लबाइक पाकिस्तान है, जो हमने सोचा था कि जब से अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का राज आ गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो जाएगा, मुझे लगता है इसके ही ये कार्रवाई है। इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का होने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि सियालकोट जो है पंजाब का एक बहुत मेन टाउन है, और उसके अंदर आपके ये एक तो कंटोनमेंट एरिया है और एक डिफेंस की इंस्टॉलेशन बहुत है, और ये होना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ऑल इज नॉट वेल, और ये मुझे लगता है एक घबराहट का इशू है। घबराहट का तो है, एक तरफ बहुत बड़ा राजनीतिक संकट है, इमरान खान की कुर्सी कभी भी जा सकती है, दूसरा बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि आर्मी चीफ को बदलने की भी कवायद तेज हो गई है, और तीसरी ये बड़ी तस्वीर सियालकोट में ऐसे जगह पर धमाका होता है जहां पर हम देख रहे हैं तस्वीरों पे घनी आबादी वाला ये इलाका है। देखो, इस समय जो पाकिस्तान है उसमें काफ़ी उथल पुथल हो रही है, एक सियासत की उथल पुथल है, फिर
पॉलिटिकल डोमेन में और फौज में काफ़ी एक तनाव का माहौल बना हुआ है। और तीसरा जो बात कर रहे हैं, देखो पाकिस्तान तो एक आतंकियों का गढ़ है, इसमें हर एक ब्रांड मिलते हैं आपको, सब तरह के ब्रांड जो मिलते हैं। और ये ब्रांड जो हैं ये अलग अलग इनके मंसूबे हैं, अलग अलग इनके आइडियोलॉजी है। और जो आतंकी होते हैं उनकी कोई दिशा नहीं होती है, वो सब तरफ वार करते हैं, उधर भी करेंगे अंदर भी करेंगे। बिल्कुल सर, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए भी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में अगर तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, उस बीच आर्मी चीफ को बदले जाने की कवायद। और तीसरी तस्वीर ये कि सियालकोट के आर्मी बेस पे इस तरह का हमला कैसे आप देखते हैं और भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें? देखिए, पाकिस्तान में राजनीतिक संकट में उस दिन मानूंगा जिस दिन पाकिस्तान के ऊपर जो आर्मी का वर्चस्व और कंट्रोल है वो चैलेंज होगा, उसको मैं मानूंगा कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री आर्मी चीफ को बदल रहे हैं। अरे भाई साहब, जब बदल देंगे तब देखिएगा। आर्मी वहां प्रधानमंत्री बदलती है, प्रधानमंत्री नहीं बदलते आर्मी को। वहां की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। देखिए, एक आर्मी को जो कठपुतला पसंद आएगा उसके वहां बिठा देगी, चाहे वो ऑपोजिशन का हो चाहे किसी का हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।